वेलकम टू स्टडी IQ. आई एम अमित वरीदी किलोर. बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग टूडेज टॉपिक, मैं एक पर्सनल एनिकडोट शेयर करता हूँ. मैं 11th क्लास में था, मेरे पास PCM भी था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो. आई वॉज गुड स्टूडेंट, पर मैं कभी कभी बंक मार लिया करता था. एक दिन मैंने, एक स्पेसिफिक डे वाले दिन मैंने बंक मारा, और उस दिन हमारा जो फिजिक्स का 6th या 7th चैप्टर लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, जो उस वाला ऐसा कोई चैप्टर था जो कि मैंने उस दिन मिस कर दिया था. इट हैज बीन प्रोबेबली 10-12 ईयर्स, उससे भी ज्यादा समय बीत चुका है. मुझे वो चैप्टर कभी भी नहीं आया. मैंने उस चैप्टर को बाद में खुद अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तरह से उसके खुद के पर्सनल नोट्स बनाए, सबसे ज्यादा फोकस किया उस चैप्टर के ऊपर. हाउएवर, आई वॉज नेवर एबल टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर जो कि मैंने बाकी चैप्टर्स को पढ़ा. अगर मैं स्कूल जाता था और मैं स्कूल में बोर होकर भी बैठ जाता था, चाहे मैं क्लास में पढ़ूं, ध्यान दूं या ना दूं, लेकिन अगर मैं स्कूल गया हूं तो वो सारे के सारे चैप्टर मुझे याद हैं, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता हूं. हाउएवर दैट स्पेसिफिक चैप्टर फ्रॉम द फिजिक्स जो कि उस दिन हुआ था, जिस दिन मैंने बंक मारा था, वो मुझे आज तक 12-15 सालों के बाद भी कभी भी याद नहीं हुआ. कभी भी उस क्वालिटी या उस अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं आई. सिमिलर एक्सपीरियंस मेरे एक फ्रेंड रविंद्र कटारिया हैं, उन्होंने भी मेरे साथ शेयर किया. वो IIT रुड़की के इंजीनियर हैं और UPSC की तैयारी करते हैं. उनके पास ऑप्शनल है ज्योग्राफी. वो अपनी कोचिंग कर रहे थे ज्योग्राफी में, और एक दिन, कुछ एक दो दिन की छुट्टी लेकर उन्होंने ज्योग्राफी का एक स्पेसिफिक चैप्टर, जिससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन्होंने वो चैप्टर मिस कर दिया. 2-3 साल लग के उन्होंने वो चैप्टर दोबारा से पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, अलग अलग रेफरेंस किताबों से बनकर नोट्स बनाए, वो चैप्टर खुद किसी और को भी पढ़ा लिया, उसके ऊपर आंसर राइटिंग भी पूरी कर लिए. हाउएवर, ही स्टिल फेसेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी चैप्टर जो कि उन्होंने क्लास में मिस कर दिया था. आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंसेस जरूर हुआ करें होंगे. अगर आप अभी आप रिकॉल कर सकते हैं तो आप रिकॉल करके देखिए कि पूरी की पूरी जो एजुकेशन, जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो एजुकेशन थी, उसमें जो ऑफ लिया था, जिस दिन आपने ऑफ लिया था, जिस भी चीज के ऊपर, दैट चैप्टर वो कभी याद ही नहीं होता है, कभी समझ ही नहीं आता है उस क्वालिटी या उस क्लैरिटी के साथ जो कि बाकी जिस दिन हमने जो क्लास में किए थे. दिस इज द फिनोमिना जो कि हमारे एजुकेशन के साथ होता है. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में. इट इज रिलेटेड टू द सेम, इसीलिए एनेक्डोट शेयर किया गया था. द बैच ऑफ द पैंडेमिक एंड द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया. COVID-19 का पैंडेमिक है. लॉकडाउन की वजह से सबकी लाइफ, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ हैज बीन टच्ड विद इट. कंप्लीटली डेसेरे में हो गया है. इट हैज कॉज्ड इररिपेरेबल डैमेज टू द बिजनेसेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब. कुछ ऐसी नौकरियां, कुछ ऐसे फलते फूलते बिजनेस, कुछ घर इस प्रकार से बर्बाद होंगे जो कि अब इस लाइफ टाइम में बेसिकली उभरने का कभी भी नाम नहीं लेंगे. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ देम फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स एवर. बिसाइड्स द टोल ऑफ लाइफ एंड लिविंग, द ईयर 2020 वाज रेवेज्ड बाय द आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट लॉसेस अनप्रिसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ग्लोबली. और इंडिया में इससे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का लॉस जो होगा कहीं पर भी नहीं. भारत की GDP एक्चुअली में 7.3% घट गई. वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स ग्लोबल आउटपुट टू बी फॉल बाय 5.2%. याद रखिए, जो ये डेटा है 7.3, 5.2, ये सिर्फ इकोनॉमिक डेटा नहीं है. इन इकोनॉमिक डेटा के पीछे रियल इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ्स होती हैं. 7% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिर गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं है. इसका मतलब है हजारों लाखों करोड़ों घर जो हैं, अब वो भूखे रहेंगे. अब उनके घर पर पैसा नहीं होगा, अब उनके घर पर शिक्षा नहीं होगी, अब उनके घर पर स्वास्थ्य नहीं होगा, अब उनके लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे. इसका अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग सीवियरिटी पड़ा है. कुछ सेक्टर्स काफ़ी चल रहे हैं, कुछ सेक्टर जैसे कि मेडिकल सेक्टर है, उनको काफ़ी फायदा हुआ है. कुछ ई एजुकेशन का सेक्टर है, उनको काफ़ी फायदा हुआ है. देर आर फ्यू सेक्टर्स विच हैज अफेक्टेड बीन दी हार्डेस्ट, जैसे कि जिसमें हाई लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस भी इंडस्ट्री में लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा चाहिए उसको परमानेंटली डिस्ट्रक्शन, परमानेंटली बहुत बड़े लॉस सहने को मिले हैं. कुछ सीवियरली वाइल अदर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन टेक, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे फ्रेट, डोमेस्टिक ट्रेड थोड़ी सी रिजिलियंस शो करे, क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट उसके अंदर थोड़ा कम जरूरत पड़ता है. एविएशन, ट्रैवल और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, ये तो वर्स्ट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज रही हैं. क्यों? क्योंकि इसमें लाइव ह्यूमन कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है. भाई टूर करोगे तभी तो करोगे जब हम दिल्ली से बेसिकली मसूरी जा सकेंगे. दैट नीड्स सोशल डिस्टेंसिंग भी उसमें कम रहती है, लोगों से मिलना भी पड़ता है, और होटल में जाके ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जहां पे दूसरे अनजान लोग पहले रह चुके हैं.
कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा होता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के 90,000 करोड़ से भी ज्यादा लॉस होंगे 2021 में। एविएशन और ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 47,000 and 5,000 करोड़। दिस सेक्टर मे नॉट बी एबल टू रिगेन देयर मोमेंट अंटिल द थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मलसी विच विल टेक वन मोर ईयर। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, ये जो 90,000 करोड़ है ना, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक फिगर। इसका मतलब है कि ये जो सब पैसा जो कि सैलरी में लोगों के पास जाना था, ये सब इसी पैसे से लोग फल खरीदने थे, सब्जी खरीदना था, बच्चों के स्कूल की फीस जानी थी, they will not be able to pay it. However, even if things begin to realize, the industry may not be able to recoup from its losses for an extended length of term, resulting in a crippling long-term impact on the country's labor productivity and the job market. जब सब नॉर्मल हो जाएगा, ये बिजनेस धीरे धीरे वापस अपने आप पर बनना स्टार्ट होंगे, एक सेक्टर है जिसका इंपैक्ट इतना लॉन्ग टर्म होने वाला है जिसके बारे में शायद इस समय हम में से किसी को अंदाजा नहीं है, ऑन द एजुकेशन सेक्टर। इसको बहुत कम अटेंशन मिली है फेस ऑफ द पेंडेमिक। इंडीड दिस इज सरप्राइजिंग कि एजुकेशन सेक्टर को पूरे के पूरे गवर्नमेंट पॉलिसी में और सोसाइटी ने कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया। पीपल एक्सेप्टेड कि स्कूल बंद है पूरे एक साल के लिए, तो ठीक है बंद है तो बंद है, कोई बात नहीं, जान बचानी ज्यादा जरूरी है। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू मिस जस्ट वन क्लास इन योर 11th क्लास और 12th क्लास, एक दिन की एक चैप्टर मिस कर दो, वो कभी पूरी जिंदगी में नहीं आता है, वट विल हैपन टू अ बैच, वट विल हैपन टू द क्लास ऑफ दैट स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल कोई भी क्लास नहीं की। इसके बारे में दो चीजें डिस्कस करते हैं। दिस इज द बैच ऑफ द पेंडेमिक, जो लोग 2019 से लेकर 2022 के बीच में ग्रेजुएट करेंगे। द ट्रू एक्सटेंट ऑन द एजुकेशन पे इस समय जो है उसका अभी लगाने में काफी समय लगेगा, येट टू बी मेजर्ड, बट ऑल इंडिकेशन शोज दैट इट विल बी सीवियर सिंस मेनी चिल्ड्रन आर अनेबल टू अटेंड स्कूल एंड मेनी आर फेसिंग द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि इस वीडियो को कभी भी देखेंगे ही नहीं। आप और मैं प्रिविलेज्ड हैं, लकी हैं, वी हैव द एक्सेस टू द डेटा, लैपटॉप एंड फोन, एंड वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हमें स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं तो भी हम ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं। नॉट एवरीबडी इज एज लकी एज अस, सबकी किस्मत हमारी जितनी अच्छी नहीं है। मार्च 2020 में ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सारे के सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे ड्यू टू दी कोविड-19 पैनडेमिक। एकेडमिक कैलेंडर हैज बीन सीवियरली डिस्ट्रप्टेड, एक्चुअल क्लासरूम लर्निंग बीन रिप्लेस्ड बाय दी ऑनलाइन लर्निंग। आप सब बेसिकली अब लक्ष्मीकांत को क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं, आप अमित सर से बेसिकली यूट्यूब पर ही पढ़ सकते हैं इस समय। डिस्पाइट दिस रैपिड ट्रांजिशन टू ई लर्निंग, millions of children specifically in Africa and South Africa have been left without adequate access to the education. The reason being, there is a reason for it. Why? Online education needs an infrastructure. It is costly. देखिए ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा स्कूल चला जाएगा और माता पिता जो गरीब लेबर जो होते हैं, जो बिल्कुल गरीब आदमी भी जो होता है, वो भी बच्चों को स्कूल भेज देता है। स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट है, फीस कम है, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये फीस है, वो भेज देता है। हाउएवर मोबाइल फोन कॉस्ट 10,000 एंड डेटा प्लान फॉर एवरी मंथ कॉस्ट एटलीस्ट 300-400 रुपीज। और वाईफाई और लैपटॉप की तो फिर बेसिकली बात ही छोड़िए, फोन से तो पढ़ना वैसे ही मुश्किल होता है, वाईफाई लैपटॉप तो 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास एक्सेस नहीं है वाईफाई का और लैपटॉप का। सिचुएशन इन इंडिया टर्न आउट टू बी ग्रिमर, मेनी स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मूव टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और उसकी वजह से जो ये डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड अर्थात एक पॉपुलेशन जिसके पास एक्सेस है नए प्रकार के डिजिटल सिस्टम का और एक जिसके पास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है, इस डिवाइड ने जो ये शिक्षा की इनइक्वालिटी थी इसको और ज्यादा बढ़ा दिया। नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग रूरल हाउस होल्ड में सिर्फ 6% और 25% अर्बन हाउस होल्ड में कंप्यूटर है। बस थिंक अबाउट इट, बस सिर्फ 6%। हमारे देश में रूरल हाउसहोल्ड में 90 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से सिर्फ 6% के पास कंप्यूटर है, बाकी बचा ही किसके पास। कंप्यूटर होने का भी मतलब नहीं है कि वहां पे डेटा लगा हुआ है। लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी कॉज ऑफ कंसर्न्स, ओनली 17% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड एंड 42% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड हैव एक्सेस टू इट। इसके अंदर मोबाइल डेटा वाला इंटरनेट की भी बात करी जा रही है। डेफिनेटली डेटा एनेबल्ड सेल्स से कुछ बढ़े भी होंगे, परंतु जो मोस्ट डिसएडवांटेजेड पीपल हैं उनके पास इस प्रकार का कोई भी एक्सेस नहीं था। एनसीईआरटी की रिसर्च, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन और एसर और ऑक्सफैम की रिटेज, 27-60% ऑफ स्टूडेंट्स वर अनएबल टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन क्लासेज ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ डिवाइसेज, शेयर डिवाइसेज एंड इनएबिलिटी टू परचेज डेटा पैक्स। पिछले साल जब स्कूल बंद हो गए थे तो 27-60% स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेज एक्सेस ही नहीं कर पाए। अभी जो 40% ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, दे आर ऑल्सो एट अ डिसएडवांटेज पोजिशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 60% दोज पीपल जिनको एक्सेस ही नहीं था।
मिसमैनेजमेंट हमारे पब्लिक स्कूल्स की बहुत लॉन्ग टर्म से चली आ रही है इंडिपेंडेंस से, और उसके बाद जब सारी की सारी चीजें रेंडर कर दी ऑनलाइन लर्निंग, इट एब्सोल्युटली बिकम्स एन अनफीजिबल एंड नॉन वायबल चॉइस फॉर द मेजर चंक ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. विद सच चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस मेनी चिल्ड्रन विल, मे तो इन्होंने समझाने के लिए लिखा है, विल ड्रॉप आउट ऑफ लर्निंग, विल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड विल अनएबल टू रिटर्न अनलेस अफर्मेटिव एंड इमीडिएट एक्शन आर टेकन विच वी नो वी आर वेरी पुअर एट. पेंडेमिक वॉज एन अननोन फोर्स एंड अननोन फोर्स को वी हैव हैंडल इट विद द अटमोस्ट इनकम्पिटेंस एवर. तो ये जो चीज है जिसको समझना और मुश्किल है, जो कि हेडलाइंस बनाएगा ही नहीं, इसको कैसे किया जाएगा? इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, अच्छा एजुकेशन के साथ साथ बच्चे स्कूल नहीं गए हैं लेकिन उनके पेरेंट्स की नौकरियां भी चली गई है, ये जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, सोशल प्रोटेक्शन है नहीं, रिड्यूस्ड हाउस होल्ड इनकम विल पुश सच चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड टू कंट्रीब्यूट टू फैमिली इनकम लिविंग देयर चिल्ड्रन एजुकेशन असाइड. आप इस फोटो में स्कूल को देखिए, लुक एट दिस स्कूल राइट नाउ, दिस इज द क्लासरूम, ये हमारे भारत का एक क्लासरूम है और हमारे भारत के ऐसे ही क्लासरूम में 80% जो छात्र हैं ऐसी ही शिक्षा प्राप्त करते हैं. नाउ थिंक अबाउट इट, डू दे हैव एक्सेस और कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैविंग ए मोबाइल फोन एंड कंटिन्यूइंग देयर होल एजुकेशन फॉर एन ईयर ऑनलाइन? आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, यू कैन प्रोबेबली डू इट. These people are in 5th class, 6th class, 7th class, 8th class. Even those who will continue their education once school reopen will struggle to catch up their counterparts who have access to online learning. अगर आपको कहीं स्कूल में इस प्रकार से याद होगा, अगर किसी वजह से कई स्कूल में कभी को होता है, कोई एक बच्चा हो गया, कभी बीमार हो गया, कुछ और इवेंट हो गया है और वो एक डेढ़ महीने के लिए सपोज कीजिए स्कूल नहीं आ पाया, दैट पर्सन उस साल वो पूरे साल अकेडमिकली कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है. आई कैन गिव यू इट इन रिटर्न, अगर आपको खुद के एनेक्डोट में मालूम है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ राइट आई एम. द टू ईयर गैप इन स्कूलिंग विल मेक द लर्निंग मोर डिफिकल्ट एंड लेस एफिशिएंट इन द कमिंग ईयर्स विच विल इवेंचुअली मेक दम इनकॉम्पिटेंट फॉर द फॉर्मल जॉब सेक्टर. जब 11th और 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री याद नहीं है तो कैसे इंजीनियर बन जाएंगे? फॉर्मल जॉब सेक्टर में यही प्रोडक्टिविटी कम दिखेगी. डिस्पाइट कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन दे मे नॉट बी एबल टू मीट द मिनिमम थ्रेशोल्ड. ये सिंपल सा एक सिंपल से ग्राफ से दिखाइए, देखिए दिस इज लाइक लर्निंग, धीरे 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 लर्निंग स्टार्ट होती है और इस प्रकार से चली जाती है. बट ये जो पीरियड है नो लर्निंग का, नो लर्निंग के पीरियड ने आपके प्रोडक्टिविटी का जो ग्राफ है उसको वैसे ही काफी दूर रख दिया है. दिस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी will in the coming few years will show up in our economy. Even for those who can readily afford online learning facilities, the move was not as seamless as it appears to be. Online education entailed a delayed learning process, lack of personalized attention. मैं आपसे बात कर सकता हूं परंतु आप बात नहीं कर सकते हैं. This is a major factor जो कि online learning का obstacle है. Lack of personalized attention. आप सब में से कौन पॉलिटी की क्लास रोज अटेंड करता है या नहीं करता है? मैं इस बात के ऊपर पर्सनल एजुकेशन नहीं दे पाता हूं. पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, मेरी और आपकी तो अच्छी है अगेन, बट बाकी सारे आप यू कैन अंडरस्टैंड पुअर स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑनलाइन एजुकेशन में एंड लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स. अगर किसी दिन आप पॉलिटी की क्लास छोड़ देते हैं तो आप छोड़ देते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार से मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी पीपल यूजुअली डू नॉट पोजेस अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट. ये जो स्टडी एरिया जो होता है ना, कई बार जो आपको या मुझे शायद अवेलेबल है कि हम एक सिंगल रूम में बैठ के अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, दिस इज अ लग्जरी एंड वी डोंट इवन नो हाउ प्रिविलेज वी आर अबाउट इट. पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2-3% ऐसे छात्र होंगे जिनके पास एक अपने खुद के पढ़ने के कमरे की लग्जरी होती है. 25% of Indians were living in a single room houses. How can a children if 2 of 4 adults occupy a single room? Online education laws has come at the cost of the marginal productivity laws which would eventually be revealed with time while leaving a catastrophic impact on the country's human capital development. मैं पर्सनली, दिस इज लाइक वेरी पर्सनल, मैं समझा ही नहीं कि स्कूल कैसे बंद करवा दिए जा सकते हैं. हाउ कैन नॉट यू अंडरस्टैंड कि दिस विल हैव एन इंपैक्ट जिसका बयान नहीं हो पाएगा. इट इज नॉट टू फैक्ट दैट नॉट ऑल द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्रिएटेड पैंडेमिक से पहले ही तैयार थे जो सिचुएशंस थी. हमारी जो पब्लिक एजुकेशन सेक्टर है वो वैसे ही ऐसे स्तंभों पर खड़ा था जो कि बड़े वीक थे. पैंडेमिक ने तो बस उसको एक्सपोज कर दिया है और एम्पलीफाई कर दिया है. द क्विक समरी ऑफ इंडियन एजुकेशन सजेस्ट दैट द एजुकेशन सिस्टम फॉर मोस्ट पार्ट इज ड्रिवन बाय सॉर्टिंग रादर देन ह्यूमन डेवलपमेंट. हमारे यहां पे छाटने का काम है हमारी शिक्षा का,
कि छाट लो कौन इसमें से काम के काम आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का फोकस नहीं है. एंड द पैंडमिक एंड द शिफ्ट टू द ऑनलाइन एजुकेशन एक्चुअली एंडेड अप रेंडरिंग दिस सिस्टम इवन लेस इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. दिस इज ट्रिमेंडसली स्केरी टू मी. पीपल विद एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग मे पोजेस एन एज ओवर दोज विदाउट एनी एक्सेस, बट दिस बैच ऑफ पैंडमिक मे नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड स्किल सीट एंड एफिशिएंसी. ये बात सही है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं उनके पास उनसे तो एज होगा ही, जिनके पास बिल्कुल ही किसी प्रकार का भी एक्सेस नहीं था. ये तो है, ये वाली बात है कि कुछ से कुछ तो बेहतर है, है? बिल्कुल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? ये तो बात सही है. परंतु उसके बावजूद भी इवन द बैच ऑफ द पैंडमिक, बैच ऑफ द पैंडमिक कौन होगा? वो नहीं जो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहा है, वो जो कि बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ रहा है, विल हैव प्रॉब्लम इन पोजेसिंग द रिक्वायर्ड स्किल सेट्स एंड एफिशिएंसी अप टू देयर क्वालिफिकेशन. द हार्डेस्ट इंपैक्ट विल बी सीन ऑन द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम 2019 टू 2023, दस कॉलिंग देम द बैच ऑफ द पैंडमिक. इंडियन ह्यूमन कैपिटल काफी सिग्निफिकेंट हिट लेने वाला है एंड द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन ड्रेन में एग्रवेट. जितने भी सारे के सारे देश में बिजनेस हैं, दे विल ट्राई टू फाइंड टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द अपकमिंग ईयर्स, रिकूपिंग ऑल देयर लॉसेस, बट द पैंडमिक्स इंपैक्ट ऑन इंडियाज एजुकेशन सेक्टर और जो सेक्टर्स हैं दे विल जंप ऑन, राइट? जैसे हम नॉर्मलसी पे जाएंगे, टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स वापस खुल जाएंगे, सिनेमा हॉल वापस खुल जाएंगे. बट द एजुकेशन सेक्टर, दिस इंपैक्ट ऑफ नो स्कूलिंग फॉर टू ईयर्स, for a whole generation, for a whole damn country, they will have a long-term devastating effects on the country's prospective human capital resources. If you have any viewpoint related to this, agar aap isse apne kuch vichar share karna chahte hain, to please is YouTube video ke niche zarur comments mention kijiyega. I'll personally read them. If you like this class, do also tell that. अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ऑल्सो यू कैन फाइंड मी इन द सोशल मीडिया. बट डिड यू फेस एंड आर यू फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट? डू मेंशन बिलो दिस यूट्यूब वीडियो एंड हाउ वाज दिस क्लास, डू मेंशन दैट. हैव अ नाइस डे.